और दिन ढलने को है, और दिन ढलने पे देखो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लव इज वर्ल्ड। और आज मैं रेडी हो गया हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है सुबह सुबह, आज मीटिंग है नोएडा में, वहाँ जा रहा हूँ। और हो सका तो दिखाऊंगा आपको कुछ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पड़पोते से मिलने। और ये देखो ये बीमार हो रही है, हवा ही छोड़ रही है सुबह सुबह, और तन लाल उठ गई है देखो, खेल रही है। One hour later. फ्रेंड, जैसा कि आपको बताया है आज हमें जाना था, तो हम सब मिलके यहाँ पे भाई नाश्ता कर रहे हैं। ये बिंदा जी है, पहले भी देख चुके हो आप वीडियो में, पहलवान जी जो है ना, इतना मुश्किल से बोला है तब जाके खाना खाने के लिए एग्री करे। 12-12 घंटे कुछ नहीं खाते है, लगे रहते हैं समाज के काम। जल्दी से खा लेते हैं, मिलते हैं आपसे। और हम पहुंच चुके हैं सम्मेलन में, नारे से कूदना चाहिए मेरा क्षेत्र बाबू, भीम का नारा लगना चाहिए, जय भीम जय भीम। कमल जी स्वागत करें, बारिश आ गई है और प्रोग्राम स्थगित करना पड़ा बारिश की वजह से, बहुत तेज बारिश आ रही है गाजियाबाद में। और सारे भाई हम आ गए हैं गाड़ी में, अब वापिस अपने मीटिंग स्थल पे जाने की तैयारी हो रही है। कुछ साथी पीछे ही बैठे हैं। जय भीम साथियों। ये बिंदर जी, नातिस भाई, क्या हुआ, बैठ जाओ। साथियों, आज हम पहुंच चुके हैं फिर दोबारा आश्रम में, और ये गुरु जी खड़े हैं हमारे, सारे भाई आ गए। और आज भी भाइयों के साथ जा रहे हैं पूरे पार्क में घूमने, मिलते हैं थोड़ी देर में फिर आपसे, घूम लेते हैं पहले। पिछली बार जो हम इस ग्राउंड में आ नहीं पाए थे, आज मैं इसी ग्राउंड में घूम रहा हूँ। बहुत ही अच्छा ग्राउंड है, वहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे थोड़ा डिस्कशन चल रहा था बैठ के, पर्सनल डिस्कशन था इसलिए मैं दिखा नहीं पाया। और ये बाल तो सच मेरे होते ही नहीं, कभी भी हमेशा बिगड़ जाते हैं। और ये देखिए बहुत अच्छा ये जंगल टाइप बना हुआ है इधर, थोड़ा ऐसा इसमें पानी वगैरह का सिस्टम है, थोड़ा तालाब टाइप है, ये सूख गया बट अभी। और हम घूम रहे हैं, बाकी साथी आगे चल रहे हैं। ये देखिए थोड़े बहुत पहाड़ी एरिया भी है, हिल्स टाइप का है यहाँ पे देखो पीछे। और क्योंकि मेरे को यहाँ पे पूरा देखना था कैसा, जब मैं फैमिली के साथ आऊंगा तो अच्छे से उनको घुमा पाऊं। छटाई हो रही है, पेड़ पौधे उगे हुए हैं, हरियाली, कुछ बच्चे यहाँ पे रग्बी बॉल होती है ना एक, वो खेल रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। बहुत ही बढ़िया ग्राउंड है ये, प्ले ग्राउंड है, यहाँ पे रग्बी खेली जा रही है, मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरा से। और ये ग्राउंड है पूरा, कुछ यहाँ पर ये देखिए ये बच्चे खेल रहे हैं रग्बी, और कुछ फैमिली आई हुई है पिकनिक बना रही है उधर दूर बैठी हुई, और ये रग्बी खेल रहे हैं। ये देखो कितने सारे बच्चे हैं, लड़कियाँ, पूरा इनका ग्रुप है, ये रग्बी खेल रहे हैं। वीरेंद्र भाई कौन सी गेम है, रग्बी बोलते कौन सी बोलते, रग्बी है, इसमें चोट वगैरह भी लग जाती है। और ये देखो ये इसमें एक फॉरनर भी है, 2-3 फॉरनर है इसमें, शायद इनके कोच हैं, कौन है भाई, मैं भी जा रहा हूँ ठीक है। नहीं नहीं तुम्हें नहीं खिलाएंगे भाई, आ जाओ लग जाएगी तुम्हें चोट, ये तो पक्के हो रहे खेल खेल के। रग्बी गेम बहुत खतरनाक होती है, और इसके अंदर तो एक वो भी है, अफ्रीकन भी है और फॉरनर भी है 2-3। ये देखिए ये आए, ये देखिए फॉरनर है, बहुत अच्छी गेम खेल रहे हैं, बहुत अच्छा। ये वाल्मीकि आश्रम का ग्राउंड है पूरा, और अब हम चल रहे हैं आश्रम की तरफ काफी देर। ये कांगड़ा जी है गुड़गांव से, और ये यहाँ पे माली रूम है, गार्ड रूम भी है, माली भी रहते हैं इसके अंदर ये पूरा। और बहुत अच्छा ग्राउंड है, आज हम पूरा अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं, शायद आपको कैमरे में अच्छे से ना दिखा पाए हम, पूरी टीम है भाई उधर,
जैसा कि गाड़ी मैंने आपको दिखाया था। देखो भाइयों, हमारे गगन तोसामट जी ये बहुत अच्छा व्लॉग्स बनाते हैं, तो यार इन्हें थोड़ा सा लाइक और कमेंट्स किया करो, शेयर किया करो। कर लेना भाई, अब बहुत मेहनत करते हैं यार। सच्ची मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है इनका वीडियोस, और पूरा फैमिली जो है ना बहुत ही एक एग्जांपल सेट किया इन्होंने, तो सभी लोगों से। अभी पूरी टीम हमारा इंतजार कर रही है खड़ी होके, और ये हमारी पूरी टीम खड़ी है। अभी पुलिस का चल रहा है, दिखाता हूँ। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। 5 minutes later आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वाल्मीकि वन की इतनी खूबसूरत चीज। देखिए कितना अच्छा फुहारा है वाल्मीकि वन के अंदर। वाल्मीकि वन की खूबसूरती के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ अगर आप कोई इंसान अगर नेचर से प्यार करने वाला है तो आप यहाँ विजिट करें। पूरे वाल्मीकि वन में आपको जो नेचर का एक दिखेगा ना विजिशन, वो अलग ही लेवल का है। और यहाँ जो प्राकृति को संजो के रखा है गवर्नमेंट ने, मैं उसकी भी तारीफ करूँगा। आपको क्या चाहिए भाई? बस तो बाहर मिलेगी सब बस बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, और अभी और हम ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली मैं भी फर्स्ट टाइम जब आया था, सेकंड टाइम आया हूँ, तो हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पे घूमने लग क्या क्या जगह है, ताकि फैमिली को लेके आए तो हम अच्छे से घुमा पाए, उनको थकान ना हो। और फ्रेंड्स, इस वाल्मीकि वन की खूबसूरती तो आज हमने देखी है, उस टाइम देख नहीं पाए थे क्योंकि टाइम भी नहीं था, और उस टाइम मौसम भी बड़ा खराब था। मौसम अभी भी खराब है, बट अब आज बूंदाबांदी नहीं हो रही है, वो मैं दिखाना चाहूंगा। बहुत ही खूबसूरत है यार, ये तो हमने उम्मीद ही नहीं की थी। देखो पीछे जो दिख रहा है आपको, वो फुहारे लगे हुए हैं, और ये बहुत अच्छा ग्राउंड है, तो ग्रीनरी। उस टाइम तो हम सिर्फ आपको ये लगा लीजिए चौथा हिस्सा 25% ही दिखा पाए थे। आज शायद कोशिश कर रहे हैं हम थोड़ा बहुत दिखाने की, बट आज भी मुझे लगता नहीं आज हम कवर कर पाएंगे। और यहाँ पे चल रहा है फोटो शूट, देखो दोनों एक दूसरे की फोटो खींच रहे हैं। और अभी हम चल रहे हैं वहाँ पर, अभी हम जाएंगे वहाँ तक और दिखाएंगे आपको वहाँ की खूबसूरती। और फ्रेंड्स देखिए कितना सुंदर नज़ारा, आप भी आइए अपनी फैमिली को लेके, बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है, एक तरह का घूमने लायक जगह है। और ये देखो अभी भी फोटो शूट चल रहा है इन दोनों का, बहुत अच्छी जगह है, देखिए बहुत ही प्यारी जगह है। और यहाँ फॉरनर्स भी काफ़ी आते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। बैक साइड में मेरे बैठे हैं फॉरनर्स दो चार, और बहुत अच्छा बैठने का सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने। और ये दोनों से इनका फोटो शूट चल रहा है दोनों का, मेरी फोटो कोई नहीं खींच रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे की फोटो खींचे जा रहे हैं। इतना खूबसूरत जगह है, आए हैं तो कुछ तो कैप्चर कर रहे हैं ना। और अब मैं लेके जा रहा हूँ आपको रैंप पे, यहाँ पे मतलब रैंप पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, पानी के बीच में इतनी अच्छी चीज बना रखी है। मैं अब आपको लेके चल रहा हूँ इसके ऊपर, और देखते हैं, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कितना खूबसूरत है। ये देखिए बहुत खूबसूरत है, बहुत काफ़ी दूर तक है, बहुत ही अच्छी देखने लायक जगह है। और काफ़ी सारी फैमिलीज आई हुई है यहाँ पर, एंजॉय कर रही है। और अब मैं आ गया हूँ इसके ऊपर, और मैं दिखाना चाहूँगा आपको पूरी तरीके से, बहुत ही खूबसूरत जगह है चाणक्यपुरी। और हम इसमें घूम रहे हैं, और वो दोनों देखो आपको पीछे दिख रहे होंगे, ये रहे फोटो शूट हो रहा है यहाँ पे इन दोनों का। और हम एकदम खड़े हैं इसके पानी के बीच में, इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे फैमिलीज के लिए बनाया हुआ है ग्राउंड टाइप छोटा सा, बहुत अच्छा है यहाँ पर। और अभी हम चलते हैं कहीं और भी अच्छी लोकेशन देखते हैं, वो भी लाइक जगह यहाँ पे अंदर वाल्मीकि। और मैं यहाँ पे अच्छा वाला शूट कर रहा था, और यहाँ पे भी दोनों पहुँच गए हैं फोटो शूट करने। अभी देखो बंदा बैठ गया है, कह रहा है मेरी फोटो खींचो पहले से वीडियो बनाना, क्योंकि मैं फोटो खींचता हूँ। आजा भाई, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? वैसे नहीं है। और देखो ये बैठ गए इधर, बहुत अच्छा जगह है और बहुत बढ़िया चाणक्यपुरी के अंदर। आप भी आइए अपनी फैमिली को लेके, अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, बहुत अच्छी जगह है। और देखो चाय वाले भी यहाँ पे घूम रहे हैं चाय बेचते हुए, चाय है कॉफी है चाय कॉफी सब बेच रहे। Later that same evening. फ्रेंड्स घूमते घूमते में हो गया काफी टाइम, और दिन ढलने को है। और दिन डलने पे देखो ये कितना सुंदर लग रहा है, ये वही फुहारा जो हमने फर्स्ट टाइम आपको दिखाया था। ये फुहारे का लाइट मैंने उनके आया, ये वर्कर कोई नहीं आया था, ये वर्कर बहुत हैरानी है, उन्होंने बता दिया था वहाँ से उसको ऑन कर देना। तो हमने भी जैसे हमें घूम के पूरा आया ना, तो हमने उसको ऑन कर दिया है वीरेंद्र भाई और मैंने मिलके,
तो इनको तो ये टेक्निकल बंदे नहीं है, ये समझ नहीं होता है। इस बॉक्स को खोलो, इसके अंदर बटन है, एमसीबी ऊपर कर दो और ये जल गया। और यहाँ से लोग भी देख रहे हैं ये अपने आप ऑन कैसे हो गया। तो हमने इसको ऑन कर दिया है, देखो आप पीछे दिख रहा होगा कितना सुंदर लग रहा है। बट इन्होंने जब इनको चालू करने के लिए कहा ना, तो इन्होंने इसको फुहारे को ही बंद कर दिया था पूरा, फिर लाइट जलाई, फिर फुहारा भी ऑन किया इन्होंने। काफ़ी सारा वीडियोग्राफी कर ली है और जितना दिखा सकते थे आज हमने दिखा दिया। कुछ दिन डलने को है, रात के टाइम शूटिंग अच्छे से कर नहीं पाएंगे हम, फिर कभी आएंगे पूरा करेंगे। 2000 years later. और फ्रेंड्स मैं पहुंच चुका हूं घर, और आज लावी सो चुकी है और सीमा जी हो गई नाराज क्योंकि 11:30 बज चुके हैं। मैंने टाइम दिया था जल्दी आने का, तो दो तीन जगह जाना था तो मीटिंग में इस वजह लेट हो गए, थोड़ा टाइम लग गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, तो अभी खाना वाना खा लेते हैं फिर करेंगे ब्लॉग को एंड। तो ये तो मैडम है हमारी नाराज आज, ये तो करेंगी नहीं। और यहाँ मेरी मम्मी भी आई है सुलह कराने। मैं सुलह कराना ही हूँ, कभी लड़ाई ना हो जाए। लड़ाई लड़ेगी नहीं, और से मेरे को ही बोलती है फोन पर, बस डांटती है खा रहे गए। अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, खाना खा लूँ पहले, भूख लग रही है। फ्रेंड्स ब्लॉग को एंड करना भूल गया था कि आते ही बहुत ज़्यादा थका हुआ था, खाना खाया और मैं सो गया। 3 बज चुके हैं, अभी उठाऊँ ब्लॉग को एडिट भी नहीं कर पाया, और एडिट करा था देखा मैं ब्लॉग को एंड किया ही नहीं। तो करते हैं ब्लॉग को एंड, प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और क्या बजा देना घंटा, मतलब कि पहला आइकन बजा देना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और कमेंट करके जरूर बताना आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। रात के 3 बज चुके हैं, मैं एडिट करने बैठा और एकदम से मैं तो ब्लॉग एडिट किया नहीं, तो ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ। मिलेंगे कल अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। बाय बाय, गुड नाइट।